बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रियाज किस तरीके से करना है, आइए चलते हैं। तो दोस्तों ये तो थी ऐप जो आपको मैंने अभी दिखाई। तो दोस्तों ये ऐप किस लिए बढ़िया है ये मैंने आपको काफी हद तक क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स हो तो आप यूट्यूब पर किसी भी वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चाहे तो व्हाट्सएप पर भी मुझसे आप चैट करके बात कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी जो ये जो ऐप से हम रियाज करते हैं और हारमोनियम से रियाज करते हैं, इनमें फर्क कहाँ जाता है? क्योंकि ऐप के अंदर हम कर रहे हैं तो सिर्फ हमें सा और पा स्वर ही मिल रहे हैं, ये एक स्टैंडर्ड स्वर होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जबकि जो हमने जहाँ पढ़ाई करी थी, हमने जो अध्ययन किया था, वहां पर सा और पा, ये सा और पा से ही हम लोग रियाज किया करते थे। सारे गरे गामा गामा पमा पदा पदा निधा निधा सानी दानी दा पदा पमा पामा गामा गरे गरे दा, तो इसी से ही हम लोग रियाज किया करते थे। जबकि मैंने देखा है कि बहुत से जो लोग हैं वो इस तरीके से रियाज नहीं कर पाते हैं, विदाउट हारमोनियम वो सारे गामा पाधा नीसा गा भी लेंगे तो उसके बाद में फिर बेसुरे होने लगते हैं। तो ये चीजें अपनी आदत आप बदल डालिए, सा और पा को दबाकर जो रियाज आप अच्छे से कर सकते हैं वो आपका आगे तक काम आने वाली बात है। तो इसे सा और पा को जो है वो अपने अंदर पक्का करिए। सा और पा अगर आपके पक्के हो जाएंगे तो ये सातों सुर यानी कि जो सारे गामा पाधा नीसा ये सभी स्वर है ये आपके पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों दोनों ही रियाजों में अधिक फर्क नहीं होता है, जबकि मैं आपको टेक्निकली बताऊं तो जो फोन का जो रियाज होता है वो हारमोनियम के रियाज के मुकाबले अधिक मुश्किल वाला होता है। वो ऐसा नहीं है कि मुश्किल उसके अंदर किसी तरीके की आपको अधिक मेहनत करनी है, वो मेहनत नहीं है उसके अंदर, क्या है आपके जो ईयर्स हैं, ईयर ट्रेनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपके सा और पा स्केल दबाकर ही, सा और पा स्वरों को दबाकर ही आप पूरा रियाज कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया सा और पा इस तरीके से दबाए, सारे गरे गामा गामा पमा पदा पदा नी धा नी सा नी धा नी धा पदा पमा पमा गामा गरे गरे ता, सारे गामा पदा नी सा नी धा पमा गरे ता। तो इस तरीके से अगर आप रियाज करेंगे तो आपके सभी स्वर जो है पक्के हो जाएंगे, और तो सा और पा दबाकर ही आप सारा रियाज करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि सा और पा अगर आपके पक्के हैं तो सभी स्वर जो है वो आपके पक्के हो जाएंगे बिल्कुल। और कहीं अगर आप इस तरीके से रियाज करें सारे गामा पादा नी सा नी धा पा मा गरे सा, इसमें और ऐप के रियाज में यही फर्क है कि आपको सभी स्वरों का डेमो नहीं मिल रहा है, और ऐप के अंदर क्या है कि सिर्फ आपको सा और पा मिल रहा है। तो एक तरीके से अगर हम देखें सा और पा का स्केल मिल रहा है और एक तरफ हारमोनियम के सभी सातों स्वर मिल रहे हैं, तो हारमोनियम के रियाज में और फोन के रियाज में जो अच्छी बात है वो यही है कि आप फोन जो है वो आपको अधिक सुदृढ़ और मजबूत बना रहा है, मतलब अच्छा ट्रेंड कर रहा है आपको। तो अगर आपको स्वरों को पक्का करना है तो मैं तो यही कहूंगा आपको हारमोनियम पर भी रियाज करें, मतलब जब भी आप रियाज करें तो सभी स्वरों को ना दबाकर सा और पा दबाकर ही रियाज करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोन पर रियाज करना थोड़ा मुश्किल है, तो आप ये भी मान के चलिए अगर आप मुश्किल चीज को अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं तो इट मीन्स ये है कि आप एक अच्छे गायक जो है वो बन सकते हैं। ये बात अलग है कि आप फोन पे रियाज कर रहे हैं या हारमोनियम पे रियाज कर रहे हैं, इस चीज को छोड़िए। आपको जो रियाज करना है सा और पा दबाकर करें तो वो ज्यादा अच्छा इसलिए है क्योंकि आपको जो आपकी ईयर ट्रेनिंग है वो अच्छी हो जाएगी और आपके स्वर जो है ज्यादा मजबूत और सुदृढ़ हो जाएंगे उसके साथ। तो दोस्तों आपने देखा भी होगा कि जो लोग तानपुरे पे रियाज करते हैं वो उनकी जो गायकी होती है बहुत ज्यादा मजबूत और सुदृढ़ होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि तानपुरे के अंदर सा और पा स्केल ही होता है, और सा और पा स्केल के होने से उन लोगों की जो ईयर ट्रेनिंग होती है बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप हारमोनियम पर भी उसी स्केल को लेकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छी बात है, मतलब आपकी जो गायकी है वो अच्छी होगी, डेफिनेटली अच्छी होगी, उसके अंदर आप किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। सभी स्केल गाकर बजाकर आप अपने आप को वीक करेंगे। अगर आप अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, गायकी अपनी अच्छी करना चाहते हैं, सा और पा स्केल पर अधिक जोर दें और इन्हीं दोनों स्वरों को दबाकर ही पूरा रियाज करने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों हम अधिक समय ना व्यर्थ करते हुए आप इस एंड्रॉयड ऐप से किस तरीके से रियाज करना है आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर तीन ताल बज रही है और तीन ताल का जो टेम्पो रखा है हमने 115 पे रखा है, और जो तानपुरा है उसे भी 115 पे रखा है। तो देखिए किस तरीके से हम इसमें रियाज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले जब भी रियाज शुरू करें सबसे पहले सा का रियाज करें। देखिए सा
थोड़ी देर सा का रियाज करें, उसके बाद थोड़ी देर हमिंग का रियाज करें, देखिए कैसे। यहाँ पर कोशिश करें कि वाइब्रेट हो, ये जगह जो आपकी ये जगह है और ये जगह वाइब्रेट होनी चाहिए। यहाँ देखिए कंपन हो रहा है। ये जो हम लंबा लंबा स्वर ले रहे हैं, मतलब सा को हमने काफी देर तक लेने की कोशिश की, उसके बाद जो हमिंग को भी एक सांस में हम काफी देर तक उसको ले रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि आपके गले के अंदर ठहराव अपने आप आ जाएगा। मतलब होता है ना कि कई लोगों के स्वर जो है वो हिलते डुलते रहते हैं, तो वो हिलना डुलना जो है वो इसी चीज से आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने स्वरों को, ठीक है। तो इसके बाद अब आप आ जाइए अलंकारों पर। रे गा रे गा मा गा मा पा मा पा दा पा दा नी दा नी सा सा नी दा नी दा पा दा पा मा पा मा गा मा गा रे गा रे सा गा रे गा मा पा गा मा पा दा नी पा दा नी सा सा नी दा पा मा दा पा मा गा रे मा गा रे सा गा तो दोस्तों इस तरीके से आप इसको पहले स्वरों में करें, उसके बाद आलाप में करें और भी अलंकारों को लें। और अगर आप चाहें तो थोड़ी सी बीट हम बढ़ा देते हैं। देखिए अब हम जो 115 पर रियाज कर रहे थे इसको 130 कर देते हैं, तबला का जो वो है। देखिए सारे गारे गमा गमा पा मा पा दा पा दा नी दा नी सा सा नी दा पा मा गा मगरे गरे दा सारे गारे गमा गमा पा मा पा दा पा दा नी दा नी सा सा नी दा पा दा पा मा गा मगरे गरे सा। दोस्तों आज मेरा गला बहुत ज्यादा खराब था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि ये बात मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूं। तो इस तरीके से दोस्तों आप रियाज कर सकते हैं और भी कई सारे अलंकार आप करिए और भी कई सारे इसके अंदर आप ताने जोड़ सकते हैं। चाहे तो थोड़ा सा बदल कर भी रियाज कर सकते हैं, जैसे कि अभी जो मैंने जो इसका जो टेम्पो है वो 130 किया था, आप चाहें तो 130 से 145 भी कर सकते हैं, 160 भी कर सकते हैं। थोड़ा जितना ज्यादा टेम्पो बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा आपको गाने में दिक्कत होगी, और जितनी दिक्कत होगी उतना ही आपका गला अच्छा बनेगा। तो आप इस तरीके से रियाज के अंदर थोड़ी थोड़ी जो चेंजेस हैं वो करने चाहिए और करते भी रहें, ताकि आप अच्छी तरीके से एक अच्छे गायक बन सकें। और इस तरीके से आप रियाज करेंगे तो आपको हारमोनियम की कमी भी महसूस नहीं होगी। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि हारमोनियम जो है वो जरूरी नहीं है, हारमोनियम भी बहुत जरूरी है दोस्तों, लेकिन जब तक हारमोनियम नहीं है तब तक आप इस फोन की ऐप से भी रियाज कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये सभी बातें समझ आई होंगी, और इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। और विदा लेने से पहले एक बार फिर से आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो दोस्तों विदा लेना चाहूंगा, नमस्कार।